आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AC-130 ऑफर के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले लॉकहीड मार्टिन के हेड भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में डायरेक्टली मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड में एक मॉडल देखा जा सकता था जो C-130J सुपर हर्क्यूलिस का था। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत भारतीय वायुसेना MTA यानी कि मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाहती है। इस रिक्वायरमेंट को लेकर एयरबस की तरफ से A400M, एम्ब्रायर की तरफ से C-390 और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C-130J सुपर हर्क्यूलिस ऑफर किए गए। इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने कुछ समय पहले इंग्लिश चैनल के ऊपर की थी और अगर आपने वो एनालिसिस नहीं देखी है तो आप इंग्लिश चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस डील को फर्दर स्वीट करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर MTA में C-130J सुपर हर्क्यूलिस सिलेक्ट होता है तो सुपर हर्क्यूलिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दूसरे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं वो सारे के सारे सिस्टम्स भारतीय वायुसेना को ऑफर किए जाएंगे, जिसमें AC-130 गनशिप भी है। देखिए, आमतौर पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर दूसरे सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। ये सिस्टम्स रिफ्यूलिंग टैंकर्स हो सकते हैं, डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस वाले एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, मैरिटाइम सर्वेलेंस के साथ में एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज वाले लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आपकी है उसके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया जा सकता है और ये चीज हर एक उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ में अवेलेबल होती है जिसे मीडियम कैटेगरी को सर्व करने की कोशिश की जाती है। MTA रिक्वायरमेंट के लिए भारत को जितने भी एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं उसमें एम्ब्रायर के C-390 को लेकर भारत में बहुत लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्राजील के साथ में भारत एक बेहतर डील कर सकता है और दूसरों की कंपैरिजन में ब्राजील भारत के साथ में बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकता है। इसके उलट US की तरफ से भारत के साथ में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं शेयर की जाएगी और ना ही US को भारत में बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। ये बात सच है कि एम्ब्रायर के साथ में भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकती है और अगर ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाता है तो महिंद्रा के पास में भी भारत में कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज आएंगी जो भारत में बन रहे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज होगी। लेकिन एम्ब्रायर के KC-390 एयरक्राफ्ट में V2500E5 इंजन का प्रयोग किया जाता है। थियोरेटिकली ये इंजन वही इंजन है जो एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर भी यूज किया जाता है और उस हिसाब से ये दुनिया का सबसे ज्यादा बनने वाला इंजन है। लेकिन इस इंजन को लेकर एम्ब्रायर के पास में किसी भी तरीके का होल्ड नहीं है और अगर आपके पास में किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो इंजन मार्केट आपको रुला देगा। ये चीज उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगी जो लोग हैदराबाद फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपको कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे जो ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है लेकिन उनके ऊपर इंजन नहीं। लगभग एक साल पहले यही चीज मैं ट्विटर पर किसी को समझा रहा था और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था कि एयरबस 320 के बहुत सारे एयरक्राफ्ट बने हुए हैं और इसी वजह से इनके इंजन भी बहुत सारे बन चुके हैं। उस समय इंजन सप्लाई चेन में जो इश्यूज चल रहे थे वो लोगों को समझ में आ नहीं रहे थे, लेकिन आज की तारीख में GE F404 की जो परेशानी हुई है उसके बाद लोगों को ये चीज बेहतर समझ में आने लगी है। वहीं अगर एयरबस A400M की बात की जाए तो ये कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है और इसकी सप्लाई चेन में फ्रांस, जर्मनी और UK तीनों इन्वॉल्व है। यानी कि जो परेशानी यूरोफाइटर टाइफून के साथ में थी लगभग वही परेशानी इस एयरक्राफ्ट के साथ में भी है। यानी कि प्रैक्टिकली तीनों एयरक्राफ्ट के साथ में कुछ ना कुछ पोटेंशियल रिस्क है और क्योंकि भारत के पास में अपना खुद का प्रोग्राम नहीं है इस वजह से इन तीनों में से एक को भारत को चूज करना पड़ेगा और ये जानते हुए कि तीनों के साथ में रिस्क है भारतीय वायुसेना को वो रिस्क लेना पड़ेगा। रही बात AC-130 की तो भारत इराक या अफगानिस्तान जैसी कैंपेन नहीं करने वाला है और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि भारत को एक इतने बड़े गनशिप की आवश्यकता है। भारत की रिक्वायरमेंट अपाचे और प्रचंड जैसे गनशिप के साथ में पूर्ण की जा सकती है। यानी कि पर्सनली मुझे इस ऑफर में बहुत ज्यादा वजन नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।